अब हम शुरू करते हैं चैप्टर वन, जो कि पेज नंबर एक से शुरू होता है। चैप्टर का शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। इस चैप्टर पर हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था इस शब्द का अर्थ क्या होता है और फिर ये देखेंगे कि इसे हम पढ़ें क्यों। उसके बाद जब हम ये समझ जाएंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, समझ जाएंगे कि इसे पढ़ा क्यों जाए, तो हम जाएंगे कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं और किन आधारों पर ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण निर्धारित होते हैं। इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार के अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है, और ये समझने के बाद हम हमारे सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर के क्रम से। तो चलिए अर्थव्यवस्था होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, अगर आप इस शब्द को देखें अर्थव्यवस्था, तो दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द दिखता है, एक पहला भाग अर्थ और दूसरा भाग व्यवस्था। अगर इसे सरल करके समझा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थ की व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अर्थ की ही व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि ये अर्थ का मतलब क्या होता है और ये व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है। तो चलिए इसे और थोड़ा सरल करते हैं। अब हम आते हैं अर्थ की ओर। अर्थ का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की धन संपत्ति और संपदा होती है। जब ये धन संपत्ति और संपदा आप सुन रहे होते हैं, तब मन में सवाल आता है कि राष्ट्र का धन संपत्ति और संपदा क्या होता है। कई लोगों से जब अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो वह कहते हैं अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे के बारे में कुछ बात होने वाली है, मुद्राओं के बारे में कुछ बात होने वाली है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि इकोनॉमी इज नॉट अबाउट मनी, इकोनॉमी पैसे की कहानी नहीं है। हाँ, पैसा इकोनॉमी का एक छोटा सा भाग जरूर है, तो इसे भी आप ध्यान में रखे रहें कि पैसे की कहानी अर्थव्यवस्था नहीं है, पैसा मात्र एक छोटा सा भाग है जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है समझना। चलिए अब हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर हम कुछ इस प्रकार से थे कि हम अर्थ का तात्पर्य क्या होता है ये समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति और संपदा किसी राष्ट्र की। तो अब इस अर्थव्यवस्था शब्द को थोड़ा और सरल अगर किया जाए तो आप देखेंगे कि धन संपत्ति और संपदा के व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। धन संपत्ति और संपदा किसी राष्ट्र के, उसका क्या मतलब हुआ? किसी भी राष्ट्र के दो प्रकार के धन संपत्ति और संपदा होते हैं, पहला उस राष्ट्र का मानव संसाधन और दूसरा उस राष्ट्र का प्राकृतिक संसाधन। चलिए मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन ये दो शब्द आपने सुन लिया, तो सबसे पहले 10 सेकंड का पॉज आप लीजिए और सोचिए कि संसाधन का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद आप समझेंगे कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, और तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी राष्ट्र की ये संपत्ति क्यों है। जी, संसाधन अगर आप देख रहे होंगे तो संसाधन का अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसे वस्तु, कोई ऐसी चीज जिसका उपयोग करके आप उत्पादन के माध्यम से आप कुछ नया निर्माण करके आप देश को वृद्धि में लेकर जाए, समृद्धि देकर जाए और देश जो है वह विकसित करे। ठीक उसी प्रकार जब भी आप किसी राष्ट्र के मानव संसाधन की बात करते हैं तो एक प्रकार का ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके उपयोग से देश में उत्पादन होगा, जिसके उपयोग से देश आगे बढ़ेगा, देश में वृद्धि होगी और देश विकसित होगा। ठीक उसी नजरिए से आप प्राकृतिक संसाधन को भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि भूमि, जल, खनिज, वायु, ये किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। भूमि के, जल के, खनिज के उपयोग से हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन का अर्थ क्या होता है और क्यों हमने मानव या फिर जनसंख्या को भी एक संसाधन कहा, और प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि, जल, खनिज, वायु भी एक प्रकार का संसाधन है। ये दोनों ही देश को आगे ले जाने में, देश की वृद्धि में, देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष भूमिका तय करते हैं। इसलिए हमने इसे क्या कहा? संसाधन। और इसीलिए हमने क्या कहा? ये किसी भी राष्ट्र के संपत्ति होते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था को थोड़ा और सरल करते हैं, एक अगले चरण पर चलते हैं और हम क्या समझेंगे कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा बेशक, थोड़ा सा और इसे सरल करते हैं। तो चलिए सरल करते हैं। सबसे पहले अब ये समझते हैं कि ये मानव संसाधन और ये प्राकृतिक संसाधन
की अलग अलग विशेषता क्या है। देखिए, जब भी प्राकृतिक संसाधन आप सुने तो अपने दिमाग में अगला जो पॉइंट है वो दिमाग में फिट कर लें, और वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होता है और मानव संसाधन असीमित होता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जैसे कि अगर आप प्राकृतिक संसाधन में भूमि की बात करते हैं, जल खनिज की बात करते हैं, मान लीजिए हम खनिज की बात करते हैं, कोयले की बात कर रहे हैं, तो कोयला का भंडार जो आज आपके पास है ये सीमित है, क्योंकि बहुत ही लाखों साल बाद यह कोयला का निर्माण हुआ है, और अगर ये कोयला खत्म हो जाता है तो फिर से कोयले के निर्माण होने के लिए फिर से लाखों करोड़ों साल का समय लगेगा। अर्थात अगर आप इसका उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, मतलब ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन जब भी आप सुने तो आप ये समझ ले कि प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड रिसोर्सेज की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम समझते हैं कि मानव संसाधन को हमने अनलिमिटेड क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निरंतर समय के साथ साथ में देश की, दुनिया के, राज्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जो जनसंख्या आज से 10 साल पहले थी उससे आज 10 साल ज्यादा हो चुकी है, मतलब 20-22% की वृद्धि आप देख सकते हैं जब भी आप जनसंख्या की वृद्धि पर बात करें। तो आप ये दो चीज समझ गए कि प्राकृतिक संसाधन का अर्थ एक लिमिटेड रिसोर्स है और ह्यूमन संसाधन अर्थात एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो अब ये चीज आपने समझ लिया। अब जरा सा हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो अर्थ की व्यवस्था की बात हो रही है, तो हम अर्थ की खोज पर निकले कि अर्थ का मतलब क्या होता है। तो हमने ये देखा कि किसी भी राष्ट्र की धन संपत्ति और संपदा उस राष्ट्र की संपत्ति होती है, उस राष्ट्र का अर्थ होता है। फिर हमें समझ नहीं आया कि ये धन संपत्ति और संपदा क्या होता है, तो हमने इसे और सरल किया और हमने देखा कि किसी भी राष्ट्र की धन संपत्ति और संपदा अर्थात वहां के मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि यही वो धन है, यही वो संसाधन है जिसका प्रयोग करके कोई भी देश विकसित हो सकती है। फिर उसके बाद हमें सरल किया कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर इसे और सरल करने के लिए हमने क्या किया, एक और चरण आगे बढ़ा और हमने देखा मानव संसाधन अर्थात एक असीमित संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन एक सीमित संसाधन है, ये हम समझ गए। तो अब इसे और सरल करना हो तो हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो कि एक सीमित संसाधन है और मानव संसाधन जो कि एक असीमित संसाधन है, इन दोनों ही संसाधनों के व्यवस्था को, प्रबंधन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहां तक अब आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब मन में अगला सवाल ये आता है कि हम ये प्रबंधन करें ही क्यों, क्या आवश्यकता है इस प्रबंधन की। जब यही नहीं समझेंगे तब किस प्रकार का अर्थव्यवस्था हम समझ रहे हैं। तो अगला जो सवाल आता है वह ये आता है कि इस प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन जो कि सीमित और असीमित संसाधन है, इनका प्रबंधन क्यों करना है। जब ये समझ लेंगे तब फिर उसके बाद आगे के सवाल पर जाएंगे, और वो आगे का सवाल ये होगा कि किस प्रकार के प्रबंधन करने की बात हो रही है, और उसके बाद अंतिम पर हम पहुंचेंगे कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझना कि व्यवस्था क्यों किया जाए। इसका एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही आसान उदाहरण लेंगे तो फिर क्या होगा हमको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का एक भाग ले लेते हैं भूमि। इसके उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे। अब मैं अगर ये कहूं कि भारत के पास पूरे विश्व का 2.4% भूभाग है। अब यह भूभाग आजादी के पश्चात अर्थात 1947 में भारत के पास मिल चुका था। उस समय जो लोगों की संख्या थी अर्थात जो जनसंख्या थी लगभग 45 करोड़ के आसपास थी। अब आज हम आ जाते हैं सन 2020 में और हम यह देखते हैं कि भारत के पास जो भूभाग का हिस्सा था आज भी उतना ही है। ऐसा तो हुआ नहीं ना कि हमने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया या फिर हमसे कोई हिस्सा छूट गया। तो कब्जे में अगर कुछ लिए नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जितना भूभाग का प्रतिशत था वो उतना ही है। तो जाहिर सी बात है कि आप अभी प्राकृतिक संसाधन जो कि भूमि है उस पर आपकी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर आप जनसंख्या पर देखें तो कहां 45 करोड़ 1947 में जनसंख्या हुआ करती थी और कहां आज पहुंच चुके हैं। आज हम 130 करोड़ के आसपास की जनसंख्या में पहुंच चुके हैं। अब अगर आप देखो तो भूभाग 2.4% ही है लेकिन जनसंख्या 130 करोड़ हो गई है। अब ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों समझाया तो जरा देखते हैं।
मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि आजादी के बाद 2.4% पर आपको 45 करोड़ जनसंख्या को पालना था, 45 करोड़ जनसंख्या की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करनी थी। अब क्या हुआ, अभी भी 2.4% भूभाग ही है, लेकिन कितने लोगों की आवश्यकता पूर्ण करनी है, 130 करोड़। समझ रहे हैं कितना, डबल से भी ज्यादा हो चुका है, मतलब 3 गुना होने की स्थिति पहुंच चुकी है। मतलब भूभाग उतना ही है, लेकिन उस पर निर्भर करने वाली जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इस भूभाग को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि ये 45 करोड़ लोगों की आवश्यकता को भी पूर्ण कर ले, ये 130 करोड़ लोगों की आवश्यकता को भी पूर्ण कर ले, और आगे जरूरत पड़े तो 200 करोड़ लोगों की आवश्यकता को भी पूर्ण कर ले। लेकिन बचिएगा कि 200 करोड़ तक की स्थिति आपके देश की ना पहुंचे। तो आप ये समझ गए कि व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि एक जो संसाधन है प्राकृतिक वो सीमित है, दूसरा संसाधन है वो असीमित है। तो जब सीमित संसाधनों को हमें प्रयोग करना होता है, जैसे भूमि को हमने किया, उसको प्रयोग करके हमको मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। क्योंकि मानव संसाधन की अगर आवश्यकता को आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो देश आगे विकसित कैसे होगा। जब लोगों की आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तब एक अच्छे कुशल मानव संसाधन वो बनेंगे नहीं, और देश के उत्पादन पर वो अपनी भागीदारी देंगे नहीं, और वह मानव संसाधन नहीं बल्कि एक बर्डन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या को आप बर्डन भी कह सकते हैं और जनसंख्या को आप रिसोर्स भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जनसंख्या आपके पास है, और अगर आप अपनी जनसंख्या को भार न बनाकर एक संसाधन के तौर पर रखना चाहते हैं तो आपको उनकी आवश्यकताओं की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अच्छा जीवन का स्तर हो, इन सारे चीजों को पूर्ण करना होगा। और ये पूर्ण आप किस प्रकार से कर पाएंगे, ये आप कर पाएंगे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से, लेकिन वो तो सीमित है, और अगर वो सीमित है तो उसे बहुत ही बेहतर तरीके से प्रबंधित करना होगा। यही अर्थव्यवस्था की कहानी है और यही अर्थव्यवस्था की मांग है। अब मन में सवाल आता है कि किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार का। अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो हमने ये समझा था कि प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन के प्रबंधन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला फिर सवाल हमारे मन में आया कि क्यों करेंगे भाई प्रबंधन। तो हमारे मन का सवाल जो था उसका जवाब ये मिला, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो कि एक सीमित संसाधन है, उस पर निर्भर करने वाली मानव संसाधन वह क्या है, वह असीमित संसाधन है, और इस असीमित संसाधनों की आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें प्रबंधन करना होता है। अब मन में सवाल आया कि किस प्रकार का प्रबंधन, तो चलिए उसकी भी खोज हम कर लेते हैं। तो अब हम उदाहरण यहां पर भी लेंगे। चलिए कैसा उदाहरण लेंगे समझते हैं। एक भूमि का भाग है समझ लीजिए, और ये भूमि का भाग ऐसा है कि इसकी उर्वरक क्षमता काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छा उसमें फसल उगता है। तो आप क्या करना चाहेंगे, वहां खेती करना चाहेंगे वहां पर, कि वहां पर इंडस्ट्री डालना चाहेंगे, या वहां घर बना देंगे। बहुत ही बचकाना सा ये सवाल है, जाहिर सी बात है एक कॉमन सेंस के तौर पर आप समझ रहे होंगे कि वहां पर हम खेती के लिए ही भूमि का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी भूमि की अगर उर्वरकता ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका कृषि के लिए उपयोग करना उसका सबसे बेहतर उपयोग होगा, और उससे सबसे बेहतर लाभ आप मानव संसाधन को दे पाएंगे और कम से कम क्षति उस भूमि को होगी। तो अगर मैं इसी प्रकार की भूमि को एग्रीकल्चर लैंड ग्राम दे दूं या कृषि योग्य भूमि दे दूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक भूमि के हिस्से को एक इस वर्ग में रख दिया कि यह भूमि का हिस्सा सिर्फ कृषि के लिए उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इस भूमि का सबसे बेहतर उपयोग कृषि के लिए ही होगा। और जब किसी भी संसाधन का आप इस तरीके से उपयोग करें कि कम से कम क्षति होने पर भी आप अधिकतम लाभ निकाल सकें, इसे आप एक शब्द में कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर अनुकूलतम उपयोग। तो हर एक संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए अगर सतत विकास करना है। तो मन में सवाल आया कि सतत विकास क्या होता है, ट्रैक से थोड़ा अलग जा रहे हैं, वापस चले आएंगे, लेकिन समझना जरूरी है। सतत विकास का मतलब यह है कि आज जिस तरीके से हंस खेल रहे हो, खुश हो, वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी तरीके से खुश रहे या आपसे ज्यादा खुश रहे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करना होगा कि आप उसको कम से कम क्षति पहुंचाए। इसके लिए एक कहानी भी आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, जरा अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो
तो आपने एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक मुर्गी थी, वो हमेशा सोने की अंडे दिया करती थी। रोज उसे सोने का अंडा मिलता था, वो बढ़िया खुश था। लेकिन एक दिन उसके मन में लालच भरा और उसे लगा कि अगर इस मुर्गी को मैं काट दूं तो इसके सारे सोने के अंडे एक साथ में ले लूं और एक साथ मैं इसका पैसे में या फिर मुद्रा में तब्दील कर लूं इसे, और अचानक रातों रात में क्या बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। और उसने यही गलती कर दी, उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंडे अब नहीं मिले क्योंकि मुर्गी तो एक ही अंडा रोज देने वाली थी। अगर वो व्यक्ति धैर्य रखता, पेशेंस रखता और इंतजार करता कि हर दिन एक एक अंडा मिलते जाए, तो वह क्या करता, थोड़ा धीरे ही सही लेकिन एक सतत तौर पर विकसित व्यक्ति बनता, एक सतत तौर पर खुश व्यक्ति बनता। तो अर्थव्यवस्था आपको जीवन के कुछ मूल्यों को भी सिखाता है कि लालच बुरी बला है। अब आप इस मुर्गी को हमारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखें। देखिए, वैसे तो ये समझने के लिए किया जा रहा है, बाकी मदर नेचर को एक मुर्गी से तुलना करना भी थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन आप समझने के लिए इसको देखें। अब आप ये देखें कि मुर्गी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और उससे जो आप खनिज या फिर जो भी आप अर्जित कर रहे हैं वो अंडा है। अगर आप ऐसा उपयोग करें कि आप पूरे जंगलों को काट दें एक ही दिन में, सारे खनिजों को एक ही दिन में निकाल लें, तो आप क्या करने वाले हैं, आप उसी व्यक्ति की तरह गलती करने वाले हैं जिसने मुर्गी काट के अंडा अर्जित करना चाहा। और अगर आप इस तरीके से विकसित होना चाहेंगे कि सारे जंगलों को काट दें, सारे जो संसाधन है उसको इस तरीके से उपयोग करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, बात का हमको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही अपने संसाधनों को क्षति पहुंचा देंगे और आपका जो ये विकास होगा वो क्षणिक होगा और लंबे तौर पर आप नहीं बढ़ पाएंगे। और लंबे तौर पर अगर आप देखें तो आपकी जो देश होगा, आपके जो देश के लोग होंगे, वो बुरी स्थिति में जी रहे होंगे। ये सतत विकास नहीं होता। तो ठीक है, हम लौट कर आते हैं, अनुकूलतम उपयोग पर थे हम, उस सवाल पर चल रहे थे और सवाल ये था कि किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अगर किसी भूमि की उर्वरकता बहुत ही ज्यादा होगी तो उसका अनुकूलतम उपयोग, उसका सबसे बेहतर उपयोग होगा कृषि के लिए, तो आपने उसे कृषि योग्य भूमि का नाम दिया। फिर अगर आप देखें कि कोई ये भूभाग का हिस्सा है जो शहरों से दूर है और उसके पास जो उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं जैसे जल, खनिज, वो भी उपलब्ध है, तो आप उस भूमि का उपयोग उद्योग के लिए करेंगे और उस भूमि को आप नाम दे देंगे औद्योगिक क्षेत्र। कई ऐसे भूभाग होंगे जहां पर आप निवास के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे रेसिडेंशियल लैंड कह देंगे। कई ऐसा भूभाग होगा जहां पर अच्छे से वाणिज्यिकरण किया जा सकता है तो आप उसे कॉमर्शियल लैंड कह देंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, कॉमर्शियल लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, ये क्या है, ये भूभाग का प्रबंधन है। ये भूभाग का सबसे बेहतर उपयोग के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। उनके सबसे बेहतर उपयोग से आप अधिकतम लाभ निकालें। बेहतर उपयोग का मतलब अधिकतम लाभ लेकिन कम से कम क्षति। तो इस प्रकार का प्रबंधन आपको करना होगा। अब आता है, ये तो प्राकृतिक संसाधन का आपने प्रबंधन कर लिया, लेकिन मानव संसाधन का प्रबंधन का क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन के प्रबंधन का मतलब यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव संसाधनों को आप एक कुशल संसाधन के रूप में अपने रास्ता बनाकर रखें। जैसे कि जब कोई बच्चा गर्भ पर रहेगा तो आप सुनिश्चित करेंगे कि उसकी माता और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य काफी बेहतर हो, तो आप क्या करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। आपने कुछ ऐसी योजनाएं भी देखी होंगी, आपने छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना भी देखा होगा जहां पर आप देखेंगे कि गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार दिया जाता है। जन्म के बाद बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, ये भी उसके स्वास्थ्य की कहानी है, ये भी उसके स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जा रहा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अगली जो आवश्यक चीज उसके जीवन में है वह है एक बेहतर शिक्षा। तो आप शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप कुछ योजनाएं लाएंगे जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन। ये क्या है, ये प्रबंधन है उस व्यक्ति का, उस मानव संसाधन का, उसके अच्छे शिक्षा दिलाने का। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो अगली आवश्यक उसके जीवन में जो कहानी होने वाली है वो बेहतर रोजगार की है। तो आप मुद्रा योजना लाएंगे, आप मेकिंग इंडिया लाएंगे ताकि उस बेहतर कुशल मानव संसाधन का उपयोग आप अपने देश के उत्पादन पर वृद्धि पर कर सकें। ठीक उसी प्रकार जब वृद्ध हो जाएंगे तब पेंशन स्कीम होगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगी, और मृत्यु के बाद भी आप देखते हैं कि सरकारी कई ऐसी योजनाएं हैं कि अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था की जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक अच्छा जीवन शैली,
ये सारी चीज मानव संसाधन का प्रबंधन है। अगर आप ये सारे चीज उस मानव संसाधन को मुहैया कराएंगे तो आपके देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के प्रबंधन की बात हो रही है। एक बार रिकॉल करते हैं। रिकॉल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि अर्थव्यवस्था शब्द का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक और मानव संसाधन के प्रबंधन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद मन में सवाल आया कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन एक सीमित संसाधन है और मानव संसाधन असीमित संसाधन है, और इन दोनों संसाधनों के प्रयोग से देश को आगे बढ़ाना है। अब चूंकि मानव संसाधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये असीमित भी है, तो आप जो प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आप उदाहरण के तौर पर वो भूमि वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे हमेशा। जब भी आप ऑडियो क्लिप सुने तो आप ये ध्यान रखें कि आप समझते चलें, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसको पेन पेपर पर लिखे रहें। ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप एग्जाम्पल के आधार पर किसी भी पॉइंट को समझेंगे आपके दिमाग में ये चिपक जाएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद किस प्रकार का प्रबंधन किया जाता है उसके लिए हमने उदाहरण भी देखा, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। अर्थात इतना सब कुछ समझने के बाद इन सारे चीजों का क्रक्स पॉइंट हमें निकालना है। तो परिभाषा आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से सतत विकास के लिए मानव संसाधनों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से सतत विकास के लिए मानव संसाधनों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर आप इस डेफिनेशन को बाइफर्केट करें तो प्राकृतिक संसाधन पहला पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। अनुकूलतम उपयोग का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। सतत विकास भी मैंने आपको बता दिया और मानव संसाधन को अधिकतम लाभ भी मैंने आपको बता दिया, और इन सारे चीजों को सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये हमारा परिभाषा समाप्त हुआ। चलिए पेज नंबर 1 पर ही अगर हम सबसे पहला यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं तो वहां पर इस परिभाषा को या अर्थव्यवस्था को कुछ अलग शब्दों पर भी समझाया गया है, और हम उसे समझकर इस सारे चीजों को एक बार फिर से जोड़ देंगे।